नमस्कार, ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। खास खबर के साथ मैं हूं मानसी कनेरिया। सीधी में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत आज स्वीकृति पत्रों का वितरण करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आम जनता को संबोधित किया गया। उनके द्वारा हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटे गए, साथ ही 43.88 करोड़ के 89 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 64.49 करोड़ की लागत से 116 कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लापरवाह 3 अधिकारियों को भरे मन से सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें पूर्व मनरेगा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं रामपुर नेकी के वर्तमान प्रभारी तहसीलदार शामिल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों के साथ उनके वाद्य यंत्रों का वंदन एवं उनके साथ नृत्य भी किया गया। बता दें कि सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल की मांग पर सीधी शहर की स्मार्ट सिटी योजना के तहत अन्य कार्य कराए जाने का ऐलान किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, सांसद रीति पाठक व विधायक सुरेंद्र तिवारी व कुंवर सिंह टेकाम भी मौजूद रहे। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। आप कृपया करके बैठिए। लोकतंत्र का मतलब जनता का राज, और जनता के राज का मतलब ये है कि जनता को अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े और जायज चीजें उनके गांव में उनकी हल हो जाए। कई भाई बहन थे, हम जहाँ जाते थे वही शिकायत आती थी कि राशन की सूची में नाम नहीं पड़ा, उजला रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिला। कोई कहता था कि हमारा नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में जायज है और नहीं आया। अलग अलग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमारा नाम छूट गया है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हमारा नाम शामिल नहीं है। 38 ऐसी योजनाएं थी। हमने तय किया कि जनता दफ्तरों के चक्कर काहे को लगाए, जनता दफ्तर नहीं जाए, सीधे उनके पंचायत में शिविर लग जाए और उनकी समस्या का वही समाधान हो जाए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज मध्य प्रदेश को प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग की सौगात दी। 1004 करोड़ की लागत से बनी मोहनिया टनल का लोकार्पण गडकरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में किया। टनल झांसी को रांची से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 पर बनी रीवा सीधी टनल का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई। उसके बाद लोकार्पण का मुख्य कार्यक्रम सीधी छोर पर हुआ। केंद्रीय मंत्री गडकरी फोरलेन चोरहाट बाईपास से आते हुए मोहनिया टनल पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने टनल के रीवा छोर पर 100 फीट का तिरंगा फहराया और सलामी दी। बदवार सोलर प्लांट के करीब बने मंच पर से आम सभा का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ग्राम बरसेता रीवा में 2444 करोड़ की लागत से 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। आइए, स्वागत भाई साहब, अभिनंदन आपका ऐतिहासिक काम के लिए। आपको विश्वास हो गया ना मैं यहाँ विधायक हूँ। राम सियावन जी राज्य मंत्री हैं हमारे पंचायत गांव में, उनके तरह नहीं ये बीजेपी के राज्य। बनारस पानी और ऊपर रोड चल रहा है।